हेलो गाइस, अगर आपका डोमेन गोडैडी पे रजिस्टर है और आप उसे होस्टिंगर में लाइव करना चाहते हैं, मतलब होस्टिंगर से आप अपनी डोमेन को मैनेज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे गोडैडी के अकाउंट में। तो अभी हमने यहाँ पे गोडैडी का जो अकाउंट है हमारा, यहाँ पे हमने लॉग इन कर लिया है और यहाँ पे मेरा एक डोमेन है जो कि आप देख सकते हैं, digitechagency.com, और इसी डोमेन को हम ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करके हम यहाँ पे होस्टिंगर के अकाउंट में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे और यहीं से सारा चीज़ यहाँ पे मैनेज करेंगे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मेरा ये जो डोमेन है, ये डोमेन मेरे होस्टिंग के साथ होस्टिंगर में यहाँ पे ऑलरेडी लिंक है, बट ये डोमेन डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक करना और डोमेन को ट्रांसफ़र करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही होस्टिंगर का जो होस्टिंग है उसके साथ डोमेन को लिंक किया हुआ है, बट इस वीडियो में हम उस डोमेन को सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे होस्टिंगर के अकाउंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले होस्ट यहाँ पे गोडैडी के अकाउंट में आएंगे और इस अकाउंट को आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे माय प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे माय प्रोडक्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो डोमेन नाम है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और ये आप देख सकते हैं हमारा जो डोमेन है, ये डेट इस डेट में हमारा डोमेन यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रेनुअल यहाँ पे करें, रेनुअल की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या चार्जेस लगता है ये गोडैडी से होस्ट डोमेन को रेनुअल करने का। तो यहाँ पे हम डिजिटेक एजेंसी का मेरा ये डोमेन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और रेनुअल नाउ पे हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है इस गोडैडी का ये प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस अकाउंट में अभी इस डोमेन को यहाँ पे रिन्यूअल करने में कितना चार्ज आ रहा है। तो सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डोमेन है, अगर हम 1 ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने इसका प्राइस लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1299, मतलब 1300 रुपया इसको हमें देना पड़ेगा, तब जाके फिर से हम इस डोमेन को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप डोमेन को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका इतना आपको यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। वो कितना अमाउंट लगेगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले गोडैडी के अकाउंट पे फिर से बैक चले जाते हैं और फिर यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पे माय प्रोडक्ट के अंदर में, और माय प्रोडक्ट के अंदर में फिर से जाएंगे और यहाँ पे एक बार हम ये जो डोमेन नाम है हमारा, यहाँ पे हम इसको मैनेज करते हैं, राइट। जैसे ही मैनेज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डोमेन का आपका जो भी सेटिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, ट्रांसफ़र टू अनदर गोडैडी अकाउंट, मतलब गोडैडी के अकाउंट से आप दूसरे गोडैडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर के अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम गोडैडी का जो हमारा ये डोमेन है इसको हम होस्टिंगर पे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसफ़र टू अनदर रजिस्टर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र टू अनदर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र चेक लिस्ट आ जाएगा, जिसमें कि कुछ टर्म कंडीशन है जिसको कि आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मेक श्योर करें कि आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो डीएनएस फाइल के बारे में बताया गया है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका जो प्रोसेस चलेगा इसमें 5 से 7 डेज आपका यहाँ पे चलेगा इस डोमेन को ट्रांसफ़र करने में होस्टिंगर पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो आपका ये जो ऑथराइजेशन कोड है ये आपके सामने शो हो जाएगा, और यही कोड आपके ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ही इसमें करना है, और दूसरा हम चलते हैं अपने होस्टिंगर के अकाउंट में। और होस्टिंगर के अकाउंट में आने के बाद जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, डोमेन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डोमेन यहाँ पे दिखेगा, अगर आपने होस्टिंगर के अकाउंट से अपने डोमेन को लिंक किया होगा, ठीक है। अगर आपने लिंक नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा गेट ए न्यू डोमेन या फिर ट्रांसफर एग्जिस्टिंग डोमेन। तो अभी हमें इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है अपना डोमेन नाम लिखना है। तो मेरे केस में अभी जो हमारा डोमेन है वो डीजी टेक एजेंसी है, तो हम यहाँ पे digitechagency.com ये हमारा डोमेन है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नाउ पे हम क्लिक करेंगे, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है डोमेन इज लॉक्ड, मतलब अभी आपका डोमेन लॉक है। और इस डोमेन को यहाँ से रिन्यूअल करने में सिर्फ यहाँ पे आपको 829 रुपया ही आपको यहाँ पे लगता है। वहाँ पे जैसा कि आपने देखा था कि वहाँ पे 1300 रुपया लग रहा था और यहाँ पे आपको 830 रुपया का समथिंग यहाँ पे आपको लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक अगेंस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और चेक अगेंस्ट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद उससे पहले आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप ये गोडैडी के अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र के नीचे में आपको यहाँ पे डोमेन लॉक्ड का आपको ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसको एक बार आप यहाँ से ऑफ कीजिएगा ताकि आपका जो डोमेन है वो अनलॉक हो जाए। तो मेरे केस में ऑलरेडी मेरा डोमेन यहाँ पे अनलॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही इस पेज को यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको परचेज़ का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे केस में यहाँ पे हमारा जो टोटल जो है जीएसटी वगैरह यहाँ पे आप लगा करके 995 रुपया, मतलब वो 1000 रुपया यहाँ पे लग रहा है। तो इसे हम यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें पेमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे यूपीआई नंबर डालेंगे और यूपीआई का जो आईडी है वो आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे यूपीआई आईडी अपना आप डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो ये ग्रीन आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है और देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है और एक बार अपने पेमेंट को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है इसको कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ से हम ओके करते हैं और देन उसके बाद यहाँ से हम पे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पे पेमेंट हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपने अपने रिडायरेक्ट हो रहा है अपने होस्टिंगर के पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेमेंट इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पे चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको हम एक बार चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑथराइज की मांगेगा, जो कि हमने आपको गोडैडी के अकाउंट पे दिखाया था। जैसे आप गोडैडी के अकाउंट पे आएंगे ये जो की है यहाँ से आपको क्लिक हियर टू ऑथराइज ऑथराइज कोड पे आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक की दिखेगा, ठीक है। तो इस की को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना कॉपी के बटन से और देन फिर से जाना होस्टिंग के अकाउंट में और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और देन उसके बाद ट्रांसफ़र डोमेन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो डोमेन है वो ट्रांसफ़र के प्रोसेस में चला जाएगा और ये आपका जो है कम से कम 7 दिन का यहाँ पे समय लेगा, 3 से 7 दिन, जैसा कि अभी हमने आपको गोडैडी के अकाउंट पे आपको दिखाया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डोमेन ट्रांसफ़र यू कैन 5 से 7 बिजनेस डे में आपका डोमेन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेटस में आपका अभी पेंडिंग यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डोमेन था डिजिटेक एजेंसी का वो सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है विद इन 5 डेज। इसमें गोडैडी से होस्टिंगर में आने के लिए इस डोमेन को यहाँ पे 5 दिन का समय लगा है और 5 दिन के बाद ये हमारा जो डोमेन है ये यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम इस डोमेन को अपने होस्टिंगर अकाउंट से ही मैनेज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको मैनेज का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो आप मैनेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस आप देख सकते हैं ये जो डोमेन है वो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, और एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है, और यहाँ से आप सारी चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गोडैडी का जो डोमेन है उस डोमेन को आप अपने होस्टिंगर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।